हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है। एक हमारे व्यूअर हैं जिनका ये सवाल है कि इनका नाम है @vivo4747 और इनका सवाल ये है कि जो जब भी टैली प्राइम को यूज़ कर रहे हैं तो एंट्री पास करते समय इनका एडवांस के बाद परचेज में एंट्री करने जा रहे हैं तो अगेंस्ट रेफरेंस का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अगेंस्ट रेफरेंस या ये जो एडजस्टमेंट वाली एंट्रीज है वो किस प्रकार से करी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हमें एक नई कंपनी बनानी होगी। तो F3 प्रेस करते हैं टैली प्राइम के अंदर कंपनी बनाने के लिए और यहां से क्रिएट कंपनी पे चलते हैं और एंटर कर देते हैं। जैसे ही एंटर करते हैं तो आप देखेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा और इस कंपनी को मैं नाम दे देता हूँ ग्रोसरी शॉप। मान लीजिए इसी नाम से कंपनी है हमारी, तो ये ग्रोसरी शॉप नाम दे दिया कंपनी का और एंटर कर दिया और यहाँ पर आएगा लोकल एड्रेस। तो जो भी लोकल एड्रेस हो वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। मेरा मान लीजिए यही है तो मैं यही डाल देता हूँ। यहाँ पर आपको एड्रेस डालना कंपलसरी है, मतलब स्टेट डालना कंपलसरी है और यहाँ पिन कोड डाल दीजिएगा एंटर करके और बाकी की डिटेल भी आप डाल सकते हैं। मैंने स्किप किया है, एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा। जैसे ही एक्सेप्ट कराते हैं तो आपके सामने एक नई विंडो आती है। अब सारी समस्या यहीं पे फंसती है। ठीक है, नई विंडो जब आएगी तो आपको इनेबल बिल वाइज एंट्री, ये देख रहे हैं एक तो मेंटेन अकाउंट है तो ये तो यस है। इनेबल बिल वाइज एंट्री को भी आपको यस रखना है। अगर आप इसको नो कर देते हैं तो आपका एडजस्टमेंट वाला एंट्री जो डिटेल है वो नहीं आता है। तो आपको हमेशा इसको यस रखना है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, अगर आप यस नहीं रखेंगे तो ये वो डिटेल नहीं आएगा आपके में। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही हम परचेज में एंट्री पास करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर आए, अब हम परचेज में एंट्री पास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आए, एंटर किया और एंटर करने के बाद यहाँ पे आता है सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो वो सप्लायर इनवॉइस नंबर दिया और यहाँ पर वो डेट आएगी जिस डेट पर हो रही है परचेजिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमने क्या रखा था, काम शुरू होने का डेट क्या रखा था। तो F3 प्रेस करके कंपनी को एक बार अल्टर कर लेते हैं। ये देखिए 1 अप्रैल 2024 रखा है। ठीक है, अब वापिस आते हैं परचेज में, तो यहाँ से भी बटन प्रेस करके आ गए परचेज में। अब यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो सप्लायर इनवॉइस नंबर जो भी बिल पे दिया गया हो वो आप दे दीजिए। यहाँ पे दे दिया, देने के बाद आपको एंटर करना है, एंटर करके यहाँ पे आना है। तो यहाँ पे डेट चेंज कर दीजिए, 1/4/2024 कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही करते हैं तो ये एक दिक्कत आ जाती है। तो आप ऑल्ट F2 करके चेक कर सकते हैं कि आपका जो पीरियड है वो कौन सा चल रहा है। तो ऑल्ट F2 करिए और यहाँ पे 1/4/2023 दिखा रहा है, तो 1/4/2024 से 31/3/2025 कर देना है हमें। बस यही यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको, बाकी यहाँ पे आप F2 करके चेंज करेंगे तो ये डेट चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये चेंज हो गया आप। ठीक है, देखिए यहाँ पर आ गया, यहाँ पर भी चेंज कर लीजिए, 1/4/2024 कर लीजिए। अब यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर अब हम एंट्री पास करेंगे ऑल्ट C करके एक क्रेडिटर पार्टी का लेजर बनाते हैं। तो रितेश नाम से क्रेडिटर पार्टी बनाते हैं हम, तो ये हो गई हमारी क्रेडिटर पार्टी, ये रितेश ही हमारी क्रेडिटर पार्टी है, ये ध्यान रखिएगा। अब हमको क्या करना है, एंटर करके नीचे आना है। जैसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ पर अब आपको दिखेगा क्या, यहाँ पर दिखेगा अलग अलग ग्रुप, तो आपको सन्ड्री क्रेडिटर का ग्रुप चूज कर लेना है। तो ये क्रेडिटर पार्टी का ग्रुप चूज करके एंटर करके, अब ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल ये ऑप्शन चालू रहना चाहिए। अगर ये ऑप्शन चालू नहीं है तो भी आपको दिक्कत हो सकती है, ये भी ध्यान दीजिएगा। एंटर करके और इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा। तो ये एक्सेप्ट करवा लिया हमने। ठीक है, लास्ट तक आपको एंटर 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 करते जाना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, और एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करवा लेना है। ठीक है, एक्सेप्ट करवाने के बाद अब क्या करना है, इसको भी एंटर एंटर करके और GSTIN वगैरह दे करके इसे एक्सेप्ट करवा लीजिएगा। ठीक है, अब जैसे ही एक्सेप्ट करवाते हैं तो अगला सवाल ये है कि यहाँ क्या आएगा, तो परचेज का लेजर आएगा। तो कैसे बनेगा, तो अल्ट सी शॉर्टकट की है, अदरवाइज टैली प्राइम में यहाँ पर भी दिया गया है क्रिएट ऑप्शन, यहाँ पर भी क्लिक करके आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जाइएगा तो यहाँ पे परचेज का लेजर बना दीजिएगा। तो ये हो गया परचेज अकाउंट। ठीक है, लेजर का मतलब और कुछ नहीं, खाता बनाना, अकाउंट। ठीक है, ये यहाँ पे पी प्रेस करेंगे तो पी वाले ग्रुप हाईलाइट होंगे और यहाँ पे परचेज अकाउंट कर लीजिएगा और एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट करवा लीजिएगा। ये हो गया। अब चलिए अब हम कोई स्टॉक आइटम परचेज करते हैं। जैसे मान लीजिए हम परचेज कर रहे हैं, सपोज कीजिए रेड चिली पाउडर, तो ये लिखा रेड चिली पाउडर PODER, तो ये हो गया रेड चिली पाउडर। एंटर करेंगे और यहाँ पे रेड चिली पाउडर बिकेगा तो ग्राम, किलोग्राम, इन सब में बिकेगा। तो यहाँ पे हम सिंबल में GM लिख देते हैं यानी ग्राम, और फॉर्मल नेम दे देते हैं GRAMME ग्राम, और यहाँ पर UPSC कोड में आएगा तो यहाँ पे देखिए ग्राम आपको देखने को मिल जाता है, तो ये ग्राम आ गया। और यहाँ पे 3 कर देते हैं एंटर करके,
इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं। और यहाँ पे बैचेस की डिटेल डाल सकते हैं आप, मैंने इस वीडियो में स्किप किया है इसको, एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराएंगे। अब मान लीजिए कि जो है यहाँ पर क्वांटिटी कितनी है, तो क्वांटिटी अगर एक हो ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 ग्राम आ जाएगा आपका ठीक है, लेकिन हमें पैकेट के हिसाब से ये देना है ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको ग्राम ना करके पैकेट के हिसाब से हमें देना है ठीक है। तो ये पैकेट के हिसाब से कैसे देंगे, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो ग्राम आ रहा है, तो 1 ग्राम तो लेंगे नहीं, तो इसके लिए हमें एक काम करना है, यहाँ पर हम वापिस आएंगे बाहर और यहाँ से अल्टर पे जा करके और यहाँ पे लेजर पे जा करके और यहाँ से हम जो है ये यहाँ पर स्टॉक आइटम वाले पे आएंगे, ये देखिए ये दिया है ना स्टॉक आइटम और ये यूनिट, तो ये यूनिट पे आ जाएंगे और ये जो ग्राम बनाया है ना ठीक है, यहाँ कर दीजिए ठीक है केजी ठीक है। और यहाँ पर फॉर्मल नेम किलोग्राम, किलोग्राम आएगा यहाँ पर देखिए ये के किलो ग्राम कर देते हैं, ये किलोग्राम में रहेगा ठीक है, एंटर करेंगे और यहाँ पर जो है यूनिट क्वांटिटी कोड आएगा, तो यहाँ पे केजी किलोग्राम कर देते हैं, ये एंटर करेंगे इसे एक्सेप्ट कराएंगे। तो अब ये हो गया, आप बाहर आते हैं, आप इसी एंट्री को कर लेते हैं वी बटन प्रेस करके, और वी बटन प्रेस करके एंटर करके आएंगे, यहाँ पर सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर आएगा और यहाँ पे क्रेडिटर पार्टी का लेजर आएगा और एंटर करेंगे एंटर करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ परचेज अकाउंट का लेजर आ जाएगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे, रेड चिली पाउडर था हमारा, तो यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये 4 क्वांटिटी अगर हम करते हैं तो 4 किलोग्राम हो जाएगा, तो यहाँ 0.50 आधा किलो का क्वांटिटी है ठीक है। और रेट क्या है इसका, 275 रुपये ठीक है, ये खरीद रेट है हमारी, तो इसके हिसाब से जो है 137 रुपये आ गया ठीक है अपने आप। अब एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराएंगे, तो यहाँ पे आप नरेशन डाल सकते हैं, ये देखिए ये जो है ना यहाँ पे आप नरेशन डाल सकते हैं, द गुड्स हैव बीन परचेज, ये डाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसे स्किप करता हूँ, एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराते हैं। तो ये एक्सेप्ट हो गया। अब जबकि आप पेमेंट करने के लिए जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, जबकि आप पेमेंट करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर जो आपने इनेबल बिल वाइज वाला जो डिटेल है उसे चालू किया है उसका यहाँ पर काम आएगा। तो देखिए कैसे काम आएगा, यहाँ पर आते हैं तो ये एंटर किया और एंटर करते ही आते हैं तो यहाँ पर रितेश क्रेडिटर पार्टी का लेजर आपको दिखाई देता है, तो 137 रुपये 50 पैसे बाकी हैं। तो लेकिन मान लीजिए कि हम इनको 100 ही रुपया देते हैं, तो ये 100 रुपया दिया हमने, तो यहाँ पर ये विंडो ओपन होती है ठीक है। ये जब इस तरीके से ओपन होगी ये विंडो, तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें दिखाई देंगी ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक अगेंस्ट डिफरेंस पे चला जाएगा ठीक है, और ये तभी से होगा जब बिल वाइज डिटेल को आप चालू रखेंगे, ना सिर्फ क्रेडिटर पार्टी के लेजर में बल्कि जब आप एंट्री पास करने जाते हैं, कोई कंपनी बनाते हैं, तो कंपनी बनाते समय भी आपको ये ध्यान रखना है कि जब कंपनी बनाएंगे और पहली एंट्री पास करेंगे तो, और जब GST चालू करने जाते हैं तो उस समय भी वो विंडो आ ही जाती है ठीक है। तो उस समय भी आपको उस ऑप्शन को, यानी बिल वाइज डिटेल वाले ऑप्शन को चालू रखना है। तो यहाँ पे अगेंस्ट डिफरेंस आ जाएगा और अब आपको दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे आप कैश कर सकते हैं या बैंक से कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास नेगेटिव कैश आएगा क्योंकि हमने कैश रिसीव नहीं कराया, तो ये नेगेटिव कैश आ जाएगा ठीक है। तो इस तरीके से आपको एंट्री करनी है ताकि वो वाला ऑप्शन जो है आपके लिए आ जाए, कौन सा, इनेबल बिल वाइज एंट्री वाला जो डिटेल आ रहा है, बिल वाइज डिटेल जो आ रहा है, एडजस्टमेंट एंट्री वाली जो विंडो आती है वो तभी आएगी जब आप इन सारे ऑप्शंस को चालू रखेंगे ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।